तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा सफर देखा देहरादून से लेके केलांग तक का, जिसमें आपने देखा हमने क्रॉस की लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड अटल टनल, और उसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं केलांग। और आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं केलांग से लेके लेह तक का सफ़र, जो कि बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है और शायद ही आपने ऐसा सफ़र कभी देखा होगा। इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग को एंड तक देखना। जो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो कर देना लाइक, और अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दे। चलिए शुरू करते हैं अपना सफर केलांग से। वही जाना, अभी तक आपने देखा कि हम देहरादून से और केलांग वैली तक पहुंचे। हालांकि मैंने केलांग वैली में आके कल व्लॉग नहीं बनाया, कल का व्लॉग आपने देखा होगा, और क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा ठंड लग चुकी थी ना, और हमको थक भी लग चुकी थी, क्योंकि हमें लगभग मंडी से और पूरे केलांग वैली तक बारिश मिली, इसीलिए हमने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, ठंड लग रही थी। उसके बाद हम रूम में आए और सीधा लेट गए, और हमने सोचा था कि अगले दिन 4 बजे निकलेंगे, लेकिन अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी तक हम निकले नहीं। अभी हमने बैग पैक भी नहीं किया, तो अब जल्दी से बैग पैक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। उनकी हालत अभी ऐसी है, तो अभी हम पूरा सामान पैक करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। कि बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, और वहाँ पे हमारी गाड़ी, और ये देखो भाई ऊपर बर्फ। तो कल तो बारिश थी यहाँ पे, और उस साइड देखो पूरे बर्फ़ के पहाड़। आज हमने सोचा कि लेह तक जाएंगे, बाकी देखते हैं किस हिसाब से मौसम रहता है, कैसे हम गाड़ी चलाते हैं। तो सोचा तो यही है कि आज हमें 300 किलोमीटर चलानी है। बाकी अमित भैया हैं, अपने हैवी ड्राइवर हैं ही, और साथ में अगर वो थक जाते हैं तो अब मैं चलाता हूँ। सो आज भी ऐसे ही करेंगे, और ज़्यादा तो अमित भैया चलाते हैं, और जब कहीं पे वो ज़्यादा थक जाते हैं तब मैं चलाता हूँ, थोड़ा उनको रेस्ट, क्योंकि उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप आते हो तो आपको मनाली से ही ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो भाई अपने साथ गर्म जैकेट वगैरह लेके आना, क्योंकि बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हमें तो मनाली से ही ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी। सो अब निकलते हैं। सो भाई सामने देख रहे होंगे ना आप बर्फ़ के पहाड़, क्या मस्त लग रहे हैं यार, और ऊपर साइड भी है अभी, लेकिन सामने आप चेक करो यार, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी अभी मैं आया था सामान लेने, और ये हमारा होटल स्काई हिल्स, और उधर देखो तो धूप लग चुकी है भाई, और पहाड़ देखो ना क्या मस्त लग रहे हैं। सो गाइस बैग पैक हो चुका है और अब सीधा निकलते हैं। तो दोस्तों 19 जून को हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं केलांग से, और केलांग से जो लेह का रोड ट्रिप है ना, वो भारत की खूबसूरत रोड ट्रिप में से एक है, और इस ट्रिप को खूबसूरत बनाता है यहाँ के रास्ते, और यहाँ के रास्ते मजबूर कर देते हैं आपको बिना सोए इस रोड ट्रिप को पूरा करने में, क्योंकि यार इतना खूबसूरत ना सच में मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो ले जाते टाइम एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, अपने साथ अपना एक्स्ट्रा पावर बैंक ज़रूर कैरी करना, क्योंकि यार आप भी हमारी तरह हर 10 या 15 किलोमीटर बाद रुकने वाले हैं, और इन खूबसूरत नज़ारों को आप अपने फ़ोन में कैप्चर करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पावर बैंक या बैटरी ज़रूर होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले जिस्पा के पास में नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, और देख रहे होंगे आप कितना खूबसूरत यार, और हर एक मिनट बाद अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जो लद्दाख का मीनिंग है वो है ए कंट्री ऑफ माउंट पासेस। तो इस सफ़र में हम क्रॉस करने वाले थे आज 4 माउंट पासेस को, और इन माउंट पासेस के बारे में आपने बहुत सुना होगा और बहुत व्लॉग में देखा होगा या किसी की वीडियोस देखी होगी या सुना होगा, और हम भी बहुत एक्साइटेड थे इन माउंट पासेस को देखने के लिए। तो इनमें से जो सबसे पहला पास पड़ता है वो है 12 लाचला पास, तो जिसमें से 12 लाचला की दूरी है लगभग 52 किलोमीटर, और इस 52 किलोमीटर का जो सफ़र होगा ना उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और जून के महीने में बर्फ़ देखने का ये हमारा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, और इस बर्फ़ वाली सड़क ने तो 4 चांद लगा दिए हमारे सफ़र में। बहुत ज़्यादा जाम है, तो अभी सुनने में आया कि आगे लैंडस्लाइड भी हो रही है, देखते हैं। तो जो हमारी राइट साइड में है वो है सूरज ताल, Thank you.
क्रॉसिंग सूरजताल वी आर रेस्ट इन बारालाचला पास, और बारालाचला पास लद्दाख रोड ट्रिप का पहला पास पड़ता है जो कि सी लेवल से अराउंड 15,900 फीट की ऊंचाई पे है। जैसे भी आप देख रहे होंगे तो काम कर रहा है, तो अभी रोड ब्लॉक है। बाकी ये देखो इतनी गाड़ियां लगी हैं यहाँ पे, और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ऊपर से। तो वो एक कहावत है ना कि असली मजा मंजिल का नहीं सफर का होता है, तो सच में यार ये लाइंस यहाँ पे करेक्ट बैठ रही थी। तो यार अगर लद्दाख में अगर आपने ड्राइव कर लिया ना, तो सच में यार आप पूरी इंडिया में कहीं पे भी ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी रोडें हैं ना, बहुत अच्छी भी है और बहुत बेकार भी है। तो बारालाचला पास से 32 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं सरचू में, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और हिमाचल के बीच में एक बॉर्डर है। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ पीपल और अपनी गाड़ी का नंबर रजिस्टर करवाना होता है, और उसके बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है और बहुत गड्ढे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम पत्थर भर रहे हैं। ये देखो बहुत धूल उड़ रही है, उस साइड देख लो। तो दोस्तों यार अब हमारा जो टारगेट था वो था पांग। हम जल्दी से पांग पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पांग पहुंचने से पहले ना आपको फेमस गाटा लूप्स क्रॉस करना होता है, जो कि बहुत फेमस है लद्दाख के रास्ते में। और गाटा लूप्स की ना जो सड़क है ना बहुत ही अमेजिंग है, और ऐसा लगता है आपके आप चोटी में जा रहे हो, ये सामने आप देख रहे होंगे। तो गाइस अभी हमने गाटा लूप्स क्रॉस कर लिया है, और इतने खतरनाक पैचेज है ना, तो मतलब जैसे ये पहाड़ है ना, तो उसमें ऐसे 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 ऊपर तक है, तो ये नीचे देख रहे होंगे आप, तो सेम ऐसे पैचेज है पूरे भाई, बहुत खतरनाक रोड। तो गाटा लूप्स की पूरी चढ़ाई ऐसे है जैसे ये है मैगी वाली रोड, एकदम बहुत हवा चल रही थी, अब चलता है। सो गाटा लूप्स का जो एंड होता है वो होता है नकीला पास पे, और हम पहुंच जाते हैं नकीला पास। और नकीला पास सी लेवल से 15,547 फीट की ऊंचाई पे है। तो भाई इस टाइम बहुत हवाएं चल रही थी नकीला पास पे ना, तो जिस कारण फ़ोन में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। और हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का ख़तरा हो सकता है इसलिए, और आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि ऐसी जगह पे ऑक्सीजन नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, और उसके बाद सीधा अपनी यात्रा को कंटिन्यू करना है। After crossing Nakila Pass, we are reached Lachungla Pass. अभी हम लाचुंगला पास में पहुंच चुके हैं, तो यह 16,616 फीट की ऊंचाई पे। तो अब पढ़ते हैं पांग, जो कि लाचुंगला से लगभग 21 किलोमीटर आगे। यहाँ पे नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन रोड अच्छी नहीं है, और 21 किलोमीटर तय करने के लिए आपको लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। और 21 किलोमीटर तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं पांग में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पांग, और ये पूरा पांग। तो यहाँ पे हम लंच के लिए रुके हुए हैं, और यहाँ पे भी तेज तेज हवाएं चल रही है, और आज हमें लेह तक पहुंचना है, देखते हैं। तो लेह तक तो हम रात में पहुंचेंगे, फिलहाल यहाँ पे लंच करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो पांग में लंच करने के बाद हम अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होता है वो होता है मोरे प्लेन्स पहुंचने का।
तो पांग से एक घंटे के सफर के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं फेवरेट मोरे प्लेन्स में, जहां अभी तक हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ड्राइव कर रहे थे ना। उसके बाद यहां ड्राइव करने में ना बहुत मजा आता है सच में यार। मोरे प्लेन्स को देखने के लिए सच में यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो जो मोरे प्लेन्स का स्ट्रेच है ना वो है 30 किलोमीटर, और इस 30 किलोमीटर में आपको बहुत मजा आने वाला है। सो मोरे प्लेन्स क्रॉस करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं मनाली लेह ट्रिप के सबसे लास्ट और ऊंचे पास पे तंगलांगना। जब हम पहुंच गए हैं तंगलांगना पास, और ये देखो यहाँ पे स्नोफॉल होने लग गई है। पास को क्रॉस करने के बाद फाइनली 32 किलोमीटर दूरी हम पहुंच जाते हैं रमसे में, जहाँ पे पर्पल कलर के पहाड़ हमें नज़र आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं उपसी के चेक पोस्ट पे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है और इसके बाद हम जाएंगे लेह। तो लेह यहाँ से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर बचा है। सो उपसी क्रॉस करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं करू में, और करू भी लेह लद्दाख की ऐसी जगह है जहां पे रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है। सो आप यहां पे भी रह सकते हो, और यहां से आगे 45 मिनट का रास्ता है लेह लद्दाख का, तो आप यहां पे भी जा सकते हो। सो आफ्टर क्रॉसिंग करू वी आर रीच लैंड ऑफ हाई पासेस लेह लद्दाख। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लेह लद्दाख, और यहां पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई लोग गए अभी सिम लेने, और इसके बाद हम सीधे जाएंगे अपने होटल। और फिर कल का दिन भी है, और मैं सोच रहा हूँ मार्केट में आज की वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अभी सीधे जाएंगे और सो जाएंगे, मतलब रेस्ट कर लेंगे एकदम। बाकी यार कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ आप। तो दोस्तों यार कल हम लेह काफ़ी लेट पहुँचे, उसके बाद हमने डिनर किया, उसके बाद हम सो गए थे, तो इसलिए मैं कल बता नहीं पाया। तो हम रुके हैं लेह में एक होम स्टे में, तो काफ़ी अच्छा होम स्टे है ये। तो ये हमारा रूम है, पीछे देख रहे होंगे आप, तो चार लोग रुके थे हम। तो हमारी बालकनी से कुछ ऐसा व्यू आता है, और ये देखो सामने, और ये साथ सेब के पेड़ है। तो लेह में भी मतलब खेती बाड़ी होती है, इसे सामने देख रहे होंगे आप, ये बालकनी से कुछ ऐसा व्यू है। बाकी इस होम स्टे में रुके थे हम, अभी चेकआउट करते हैं, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं दूसरे होटल में जिसकी कि हमने पहली बुकिंग करा दी थी, और आज फिर हम लेह को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से, हमने गाड़ी में डाल लिया है, तब से चलते हैं। बाकी ये देखो यहाँ पे सब चीज़ की व्यवस्था थी, गर्म पानी कि लगता है ये रिसेप्शन वाला एरिया है। यहाँ पे देखो तो ये था अपना होम स्टे जिसमें कल हम रुके थे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दूसरे होटल में, तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।